एचआरटीसी ड्राइवर कंडक्टर यूनियन ने वेतन न मिलने के कारण कांग्रेस सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। यूनियन का कहना है कि 10 अप्रैल तक भी मार्च महीने का वेतन नहीं मिला है। यूनियन ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगले महीने से 1 तारीख को अगर वेतन नहीं मिला तो ड्राइवर कंडक्टर एचआरटीसी की सेवाएं बंद कर देंगे। एचआरटीसी ड्राइवर यूनियन के राज्य अध्यक्ष मान सिंह ठाकुर ने शिमला में प्रेस वार्ता कर बताया कि वेतन मिलने में लेट लतीफी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 10 अप्रैल तक उन्हें वेतन नहीं मिल पाया और यह कब मिलेगा यह भी तय नहीं है। ड्राइवर कंडक्टर का 40 महीने का ओवर टाइम भी नहीं दिया गया जो कि 57 करोड़ बनता है। मई महीने में एडवांस मिलने पर ही ओवर टाइम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि एचआरटीसी की वित्तीय घाटे के लिए ड्राइवर कंडक्टर जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए प्रबंध जिम्मेदार है। न्यूज डेस्क एनवन लाइव। आज तक, आज 10 तारीख होगी, आज तक हमें सैलरी नहीं मिली। सैलरी के लिए हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है तो हम निगम प्रबंधन से और सरकार से ये मांग करते हैं कि हमारी सैलरी जो है पहली तारीख को दी जाए, अन्यथा इस महीने तो हम 2 या 3 दिन और वेट करेंगे। जैसा कि माननीय प्रबंधक महोदय जी ने हमें बताया है कि आज फाइल अप्रूव हुई है, कल वो आएगी और परसों तक आपको सैलरी पड़ जाएगी, तो हम 2-3 दिन या 4 दिन इस महीने तो वेट करेंगे। लेकिन अगले महीने अगर पहली तारीख को हमारी सैलरी ना पड़ी तो फिर संगठन जो है वो कड़े निर्णय लेने के लिए बाध्य होगा। एक नोटिस हमने ओवरटाइम नाइट हमारा निगम के कर्मचारियों का, ड्राइवर और कंडक्टरों का जो ओवरटाइम है जो 40 महीनों का बकाया हो गया है, पिछली सरकार में लगभग 37 महीने का पिछली सरकार का था, 3 महीने का इस सरकार का हो गया। अब निगम का कर्मचारी जो है वो नाइट जब जाता है तो 200 रुपये अपनी जेब से खर्चा करता है, 130 रुपये नाइट देते हैं, तो 40 महीनों से प्रबंधन है वो 130 रुपये नाइट, लगभग 57 करोड़ रुपया जो हमारा नहीं दिया। तो संगठन ने फैसला लिया है कि 7/5/2023 को हम एप्लीकेशन दे रहे हैं। हमारा कोई भी कर्मचारी, कोई भी ड्राइवर और कंडक्टर नाइट बिना एडवांस लिए नहीं जाएगा। अगर हमें एडवांस प्रबंधन देता है तो हम नाइट जाएंगे, अदरवाइज हम नाइट नहीं जाएंगे।